Assalamualaikum alaikum viewers and welcome back to my channel study law with pushtra so we were discussing civil procedure code 1908 we have discussed up till section 78 in this video we are going to discuss the topic of suit by or against the government or public officer but before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. This topic is explained from section 79 till section 82 of CPC 1908 ke suit. अगर गवर्नमेंट फाइल करती है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जाता है या फिर अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई सूट फाइल करता है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा सो so सेक्शन 79 से 82 इस प्रोसीजर को डिस्कस कर रहा है हम वन बाय वन इन सेक्शन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन सेवेंटी के ऊपर सेक्शन सेवेंटी कहता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट अब इस पहले सेक्शन में प्रोसीजर बताया गया है इना सूट बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट दी अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेटिव और डिफेंडेंट एज द केस में बी शेल बी अब इस सेक्शन में बताया कि अगर गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर कोई सूट फाइल करती है या उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जाता है तो जिस अथॉरिटी को एस प्लेटिव या डिफेंडेंट लिखा जाएगा वो क्या होगा सो so, सबसे पहली बात जो इस सेक्शन में की गई है इन अ केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान पहली बात कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जाता है तो अथॉरिटी जो एस प्लेंटिव या डिफेंडेंट लिखी जाएगी वो पाकिस्तान का वर्ड यूज होगा यानी कि प्लेंटिव अगर है तो पाकिस्तान वर्सेस फलां या अगर डिफेंडेंट है तो फलां वर्सेस पाकिस्तान इसी तरह सेकंडली इन सूट बाय और अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द प्रोविंस अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई सूट फाइल करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूट फाइल किया जाता है तो फिर उस प्रोविंस का नाम लिखा जाएगा यानी कि फलां सूबा अगर पंजाब लेट सपोज पंजाब की हुकूमत कोई सूट फाइल कर रही है तो सूबा पंजाब या सूबा बलूचिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा या सूबा सिंध सो so, सिंपली जो सेक्शन 79 हमें बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जब आप गवर्नमेंट की तरफ से सूट फाइल करोगे तो अथॉरिटी जो एसप्लेटिव या डिफेंडेंट लिखी जाएगी वो क्या है सो फेडरल गवर्नमेंट के केस में हम पाकिस्तान लिखेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केस में हम नेम ऑफ दी प्रोविंस लिखेंगे सिंपल सा सेक्शन था उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 80 के ऊपर सेक्शन 80 डील करता है नोटिस के साथ अब किस तरह के नोटिस की बात कर रहा है यह नोटिस कब दिया जाता है किसको दिया जाता है क्यों दिया जाता है सो so, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपने इसको डिटेल के साथ सुनना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि नोटिस क्या है सो स्टार्टिंग विथ क्लॉज वन

किसी भी पब्लिक ऑफिसर या किसी भी गवर्नमेंट के ऐसे एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है ड्यूरिंग देयर जॉब अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जिससे आप ना खुश हो तो फिर आप उस गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो लेकिन इस सेक्शन में एक कंडीशन रख दी गई है और वो कंडीशन क्या है कि आपने सूट फाइल करने से पहले इस गवर्नमेंट को या इस पब्लिक ऑफिसर को एक नोटिस भेजना है नोटिस भेजने से क्या मुराद है या नोटिस भेजना क्यों जरूरी है आप नोटिस इसलिए भेजते हो कि आप उस गवर्नमेंट से या उस पब्लिक ऑफिसर से ये डिमांड कर रहे हो कि हमारे इशू को रिजॉल्व किया जाए जो आपका मैटर है उसको सॉल्व आउट किया जाए उसके लिए आपने 60 डेज का वेट करना होता है टू मंथ्स का आपने वेट करना है और अगर विद इन सिक्सटी डेज भी आपका मसला रिजोल्व नहीं होता आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो फिर आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो सो सबसे One में कहा गया है कि टू मंथ्स बिफोर आपने नोटिस देना मस्ट है अब ये नोटिस कब और कैसे देना है इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट दल फेडरल गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट अगर तो आपने फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आप नोटिस किसको भेजोगे फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को सेकेंडली केस ऑफ सूट अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदर देन सूट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ रेलवे अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर तो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है अदर देन मैटर्स ऑफ रेलवे रेलवे के मामला के अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो फिर आप नोटिस किसको भेजोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उसको आपने ये नोटिस भेजना है थर्डली इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ रेलवे द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे कंसर्न या फिर अगर तो आपने फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है रेलवे के मामला के बारे में मैटर्स ऑफ रेलवे से रिलेटेड तो फिर आपने जो नोटिस भेजना है वो किसको भेजना है जो रेलवे का जनरल मैनेजर होगा उसको आप दो महीने पहले ये नोटिस भेजोगे सो सेक्शन एटी बता रहा है कि नोटिस देना मस्ट है और ये जो आप नोटिस दोगे ये गवर्नमेंट के केसेस में किस किस को आपने नोटिस भेजना है सो फेडरल गवर्नमेंट के केस में सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहां पर रेलवे के मामला के अलावा कोई सूट है तो फिर सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को इसी तरह अगर रेलवे के मैटर से रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो नोटिस आप भेजोगे जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे को इसी के साथ फर्दर इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर तो पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आपने सूट फाइल करना है तो फिर आप नोटिस किसको भेजोगे केस ऑफ पब्लिक ऑफिसर डिलीवर टू हिम और लेफ्ट एट हिज ऑफिस स्टेटिंग कॉज ऑफ एक्शन द नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ contain द रिलीफ that ही notice has कंटेन स्टेटमेंट दैट सच नोटिस फर्दर बताया गया है कि अगर तो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो फिर आप जो उसको नोटिस भेजोगे वो उसके ऑफिस में आप उसको नोटिस भेजोगे अब ये जो नोटिस आपने भेजना है इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए नंबर वन जो कॉज ऑफ एक्शन है कि आप किस वजह से सूट फाइल करना चाह रहे हो या आपका क्या मामला है क्या मैटर है जिसको आप रिजोल्व करवाना चाह रहे हो उस प्लेटिव का जो ये नोटिस भेज रहा है उसका नाम लिखा जाएगा उसकी रेजिडेंस लिखी जाएगी कि वो कहाँ का रहने वाला है उसके साथ ही जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो जो रिलीफ आप डिमांड कर रहे हो इस गवर्नमेंट से या इस पब्लिक ऑफिसर से वो चीज मेंशन करोगे गवर्नमेंट so या पब्लिक ऑफिसर के केस में जो आपने नोटिस भेजना है उसके अंदर ये ये क्रेडेंशियल्स होने चाहिए ये ये डिस्क्रिप्शन आपने एड करनी है आप जब नोटिस भेजने के बाद टू मंथ्स का टाइम पीरियड गुजर गया जब आपने सूट फाइल कर दिया तो उसके बाद आपके लिए कंपलसरी है इस सेक्शन की सब क्लॉज वन के अकॉर्डिंग के आप जो अपनी प्लेन फाइल करोगे शेल का वर्ड यूज हुआ है उसके अंदर आपने ये चीज मेंशन करनी है कि आपने टू मंथ्स पहले इनको नोटिस भेज दिया था और टू मंथ्स गुजरने के बाद अब आप सूट फाइल कर रहे हो सबसेक्शन टू वेयर एनी सूट इज इंस्टीट्यूटेड डिलीवरिंग और लीविंग सच नोटिस Or before the expiration of said period of two months where the or where the plain does not contain a statement that the such notice has been so delivered or left, the plaintiff shall not be entitled to any cost if the settlement as regards the subject matter of the suit is reached or the government or public officer concedes the plaintiff claims within the period of two months from the date of institution of such suit. अब सेक्शन वन में हमने कहा नोटिस देना मस्ट है आपने प्लेन्ट में भी ये चीज मेंशन करनी है सेकंड क्लॉज कहती है कि जब आप सूट फाइल कर देते हो विदाउट गिविंग द नोटिस टू मंथ्स बिफोर आपने दो महीने गुजरने से पहले आपने किसी भी अथॉरिटी को किसी भी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया या फिर अगर तो आपने नोटिस भेजा था लेकिन नोटिस भेजने के बाद आपने 60 डेज का वेट नहीं किया और 60 डेज खत्म होने से पहले आपने सूट फाइल कर दिया या फिर तीसरी चीज आपने नोटिस भी भेजा था टू मंथ्स का वेट भी किया था लेकिन जब आपने अपनी प्लेन को फाइल किया तो उस प्लेंट के अंदर आपने ये चीज मेंशन नहीं की कि आपने नोटिस भेजा था क्यों क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्लेन्ट में ये चीज मेंशन करनी जरूरी है सो so, अगर आप इन तीनों एक्ट्स में से कोई भी एक एक्ट करते हो लेट सपोज कि आपने नोटिस नहीं दिया या टू मंथस का वेट नहीं किया या प्लेन्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं की तो इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे कि जो प्लेंटिव है ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू एनी कॉस्ट यानी कि अगर तो गवर्नमेंट के बीच में और उस प्लेंटिव के बीच में या पब्लिक ऑफिसर या उस प्लेंटिव के दरमियान किसी तरह की कोई सेटलमेंट हो जाती है सूट इंस्टीट्यूट करने के दो महीने के अंदर अंदर अगर तो पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट उसके रिलीफ को तस्लीम कर लेते हैं और जो क्लेम वो कर रहा है उसको मान लेते हैं तो फिर जो प्लेंटिव को कॉस्ट मिलनी थी इस केस में उसको ऐसी कोई भी कॉस्ट नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि आपने सेक्शन 80 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया सेक्शन 80 ने कहा था नोटिस देना मस्ट है टू मंथ्स का वेट करना मस्ट है प्लेन्ट में ये चीज मेंशन करनी मस्ट है सो so, अगर आप ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करते तो फिर आप उस कॉस्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे अब इसी सेक्शन के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है दैट इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड विदाउट सच नोटिस द कोर्ट शेल अलाउ नॉट लेस देन थ्री मंथ्स टू द गवर्नमेंट टू सबमिट इट्स रिटर्न स्टेटमेंट जब आपने गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल किया विदाउट गिविंग दी गवर्नमेंट अ नोटिस टू मंथ्स बिफोर तो फिर कोर्ट जो है वो उस गवर्नमेंट को थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड देगी कि वो तीन महीने के अंदर अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करें क्योंकि टू मंथ्स का नोटिस देना मस्त था जब आपने नोटिस नहीं दिया तो गवर्नमेंट फिर टू मंथ से थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड देगी उस गवर्नमेंट को अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए सो सेक्शन एटी नोटिस को डिस्कस कर रहा था नोटिस क्या है कब देना है क्या चीजें उस नोटिस में मैंशन करनी है क्यों देना है कितने टाइम पीरियड में देना है ये सेक्शन एटी के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया आई होप कि आपको इजिली समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है सेक्शन एटी सेक्शन 81 बात करता है एग्जाम्पन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपियरेंस अब किस बंदे को एग्जाम्प किया गया है अरेस्ट से या पर्सनल अपियरेंस से हम टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हैं सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर सो नाम से ही जाहिर है सेक्शन एटी क्या कहता है इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी कि जहां पर पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई एक्ट परफॉर्म किया है और उस पब्लिक ऑफिसर के उस एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई बंदा सूट फाइल करता है अब पब्लिक ऑफिसर ने पर्सनल कैपेसिटी में वो काम नहीं किया अपनी जॉब के दौरान उसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जिससे आप अनहैप्पी हो तो फिर द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज देन इन एक्सिक्यूशन ऑफ द डिक्री तो जो डिफेंडेंट है जो पब्लिक ऑफिसर है इस केस में वो डिफेंडेंट है उस पर्सन को ड्यूरिंग दिस ना तो अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उस डिफेंडेंट यानी उस पब्लिक ऑफिसर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा इस चीज से उसको एग्जाम्शन दी गई है ना आप उसको अरेस्ट कर सकते हो ना उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो लेकिन Further, इस में कहा गया है कि अगर तो इस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट डिक्री पास हो जाती है तो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में फिर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है लेकिन ड्यूरिंग द सूट उसको एग्जाम किया गया है सेकेंडली वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइडेंडेंट कैन नॉट एबसेंट हिमसेल्फ्रॉम हिस्सू विदाउट दीमेंट टू दब्लिक सर्विस इट शेल एग्जाम इन पर्सन क्लॉस टू कहती है कि जहां पर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट के यानी के पब्लिक ऑफिसर के बार बार कोर्ट में आने से उसकी ड्यूटी आवर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं पब्लिक को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है अगर वो हर तारीख पर हर पेशी पर कोर्ट में आना शुरू कर देगा तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर को एग्जाम कर देगी पर्सनल अपियरेंस से कि वो हर तारीख पर भले पेश ना हो सो सेक्शन एटी दो बातों को डिस्कस कर रहा है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट परफॉर्म करने पर सूट फाइल हुआ तो ही इज फ्रॉम अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम पर्सनल ऑल बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दी इज नॉट एक्समटेड लास्ट सेक्शन है आज की इस डिस्कशन का सेक्शन 82 जो के बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री की अब गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट डिक्री पास हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा सेक्शन 82 सब सेक्शन 1, वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट इज ए फॉर अ टाइम शेल बी स्पेसिफाइड इन द डिक्री विद इन विच इट शेल बी सेटिस्फाइड एंड इफ द डिक्री इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन द टाइम सो स्पेसिफाइड द कोर्ट शेल रिपोर्ट द केस फॉर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट सब सेक्शन वन में कहा गया है कि जहां पर डिग्री पास हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट किसी केस में डिग्री पास हुई है तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन का तरीकाकार क्या होगा कि उस डिक्री के अंदर एक टाइम पीरियड कोर्ट की तरफ से मेंशन किया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर इस गवर्नमेंट ने या पब्लिक ऑफिसर ने डिक्री को सेटिस्फाई करना है लेट सपोज थ्री मंथ्स के अंदर टू मंथ्स के अंदर फोर मंथ्स के अंदर जितना भी कोर्ट को टाइम मुनासिब लगेगा वो उस डिक्री के अंदर मैंशन करेगी कि इस टाइम पीरियड के अंदर डिक्री को सेटिस्फाई करना है और अगर तो गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर विद इन सच टाइम टाइम पीरियड वो को सेटिस्फाई नहीं करते तो ऐसी सूरत में कोर्ट इस मैटर को रिपोर्ट करेगी कंसर्न गवर्नमेंट को और उसको कहेगी कि वो ऑर्डर दे कि गवर्नमेंट के, के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जो भी डिग्री पास हुई है वो इसको सेटिस्फाई करें अब जब कोर्ट ने मामला भेज दिया गवर्नमेंट के पास उनको रिपोर्ट भेज दी कि वो इस मामले को देखें तो सब सेक्शन टू क्या कहता है द एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इश्यूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथस कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिपोर्ट कि जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजने के तीन महीने के अंदर अंदर भी अगर इस डिक्री को सेटिस्फाई नहीं किया गया तो कोर्ट फिर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी लेकिन रिपोर्ट भेजने के बाद कोर्ट कितने टाइम पीरियड के वेट करेगी थ्री मंथ्स का अगर तो थ्री मंथ्स के अंदर भी डिग्री uh, सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो अपनी तरफ से एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी सो so, सेक्शन 82 सिंपल सा टॉपिक uh, था ऑफ द डिक्री जब डिक्री पास हो गई गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के केस तो डिक्री के अंदर टाइम पीरियड मेंशन किया जाएगा अगर प्रस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर डिक्री नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी जाएगी और गवर्नमेंट फिर फर्दर ऑर्डर पास करेगी So, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 79 से सेक्शन 82 के ऊपर जिसमें हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या अगर वो खुद किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं तो उसका क्या तरीका कार होगा सेक्शन 80 इन सब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि नोटिस देना मस्ट है अगर आप नोटिस नहीं देते तो क्या कॉन्सिक्वेंसिस होंगे सो दैट वॉज ऑल अबाउट टू डिस्कशन आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज